नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम दिल्ली के उत्तम नगर द्वारका मोड़ मोहन गार्डन पर पहुंचे हैं, जहां पर हमें सूचना मिली है कि एक महिला हैं जिन्हें बीते 4 दिन हो गए वो लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें और अगर आपको उनकी कुछ भी जानकारी मिलती है तो उसे लिखकर बताएं और हमें सूचना जो है पहुंचाएं। तो यहां पर हम आपको पूरी डिटेल उनके बारे में बताएंगे। 13 तारीख को मतलब मैं मॉर्निंग में ऑफिस चली गई थी, शाम को आई थी, 5 बजे मैं वेट रही अब आएगी, आई नहीं। 9:30 बजे पापा गांव से आए, फिर हमने सारे रिश्तेदारों को फोन करा, कहीं गई होगी मिठाई देने, मतलब सबको फोन कर दिया, किसी के घर नहीं गई, कहीं नहीं गई, मतलब उस दिन से अब तक पता नहीं कुछ। वो घर में ही थी उस टाइम? हाँ, जब मैं सुबह मॉर्निंग में ही घर पे थी। तो आपको ऐसा कुछ लगा कि काफी दिनों से उनमें कुछ बदलाव या चेंज आया हो? कुछ नहीं, बस भाई पैसे मांगता था, उसी चीज में चक्कर में गई होंगी, क्या पता। 4 दिन हो गए, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं करा अभी तक, बताया ही नहीं कुछ भी। अच्छा, आप कंप्लेंट कर चुके हैं, एफआईआर कर चुके हैं। उनके बारे में बताइए, मतलब वो कैसे दिखते? मतलब मेरे जैसे ही दिखते, मतलब सेम शक्ल ही है, मतलब हाइट भी मतलब है 5'2", गोल चेहरा है। लास्ट टाइम पे उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे? साड़ी पहनती है वो, रेड कलर की साड़ी पहन रखी है। साड़ी किसी भैया ने देखा था गली के बाहर, उन्होंने बताया रेड कलर की साड़ी पहनी थी। अब मेरे को तो पता नहीं था, मैं मॉर्निंग में ऑफिस चली गई थी, उन्होंने बताया था। मोहल्ले में आसपास आपने किसी से पूछताछ करी थी? हाँ, हम लोगों ने सभी से पूछताछ करी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। जाते हुए सबने देखा, लेकिन आते ही नहीं देखा। थाने में कंप्लेन करे हुए कितना टाइम हो गया आपको? उसी दिन रात को कर दी थी हमने, रात को 11:30 बजे कंप्लेन कर दी थी। आज सुबह मॉर्निंग में भी गए थे, उन्होंने कहा हमने सब जगह बात कर ली है, थाने में जैसी इंक्वायरी होगी आपको बता देंगे। अभी कुछ पता ही नहीं चला। उनकी उम्र कितनी है? 48 समथिंग ऐसी कुछ है। अचानक से गायब? हाँ, फर्स्ट टाइम, कभी आज तक कभी ऐसे नहीं गई। रिश्तेदारी में आपने कहीं पूछा? सब जगह कंफर्म कर लिया, किसी के घर नहीं है, किसी के घर नहीं है। और अभी तक कोई सूचना पुलिस प्रशासन से या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं आया। मैम, अभी तक जितनी भी जांच पड़ताल हुई है उसमें कहाँ कहाँ से आपको सहयोग मिला? उत्तराखंड आवास से आए थे लोग, थाने गए थे साथ में, चंडीगढ़ से, लुधियाना से फोन आया था संस्था वालों का, उन्होंने भी बताया कुछ, यही दोनों आए थे अभी तक। तो कब से मदद कर रहे हैं आप? ये तो इनका कल से ही फोन आ रहा है हमारे पास, आज आए थे मॉर्निंग में, सुबह थाने गए थे साथ में। और जो दूसरा आप बता रही हैं, उन्होंने क्या फोन आया था? उन्होंने कहा एक लेडीज का पता चला है, लेकिन वो कुछ पता नहीं अपने बारे में, तो उन्होंने होता जैसे भी होते हैं फोटोज वगैरह आपको भेजेंगे। लुधियाना से फोन था, फोटोज वगैरह उन्होंने कहा जैसे होता है आपको बताएंगे, अभी वो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो अभी गुमशुदा है महिला, आपकी माता जी जो है, उनका क्या नाम है? शकुंतला देवी। आस पड़ोस में भी कुछ नहीं जानकारी? नहीं, आस पड़ोस में किसी को नहीं पता कब आई थी, कब गई थी, कुछ नहीं पता। और आपने कहाँ तक जांच पड़ताल करी है? हमने मतलब जितने रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर, द्वारका, नजफगढ़, उत्तम नगर, पालम, देहरादून, हरिद्वार, ये सब कंफर्म करा लिया सब जगह। जैसे कि आपने वो मैडम है जो गुमशुदा है, उनकी तस्वीर को देखा कि वो बीते 4 दिन हो गए हैं उनका, अभी तक कोई खोज परख नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन से भी कोई सूचना जो परिवार के सदस्य हैं उनको नहीं मिली है, आसपास में भी उन्होंने जांच पड़ताल करी लेकिन किसी भी तरीके की सूचना यहाँ पर उनको सुनने को नहीं मिली है। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आपने तस्वीर में मैडम को देखा, अगर आपको ये कहीं भी नजर आए या इनके बारे में कोई भी सूचना मिले तो उसे कमेंट में लिखकर बताएं। बाकी हम अपनी स्क्रीन पर जो परिवार है उनका, जो उन्होंने नंबर हमें मुहैया करा रखा है, वो भी हम दे देंगे, आप उस पर भी डायल कर जो मैडम है उनके बारे में बता सकते हैं। तो आपका बेहद बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।